कॉलेज नहीं गया? तेरा ही वेट कर रहा था मैं। अच्छा यार क्या हुआ? दिखा दिखा। हाँ ठीक है, रुक मैं जरा कॉल करता हूँ। क्या चल रहा है सभा? तुम ये सब करने कॉलेज जाती हो? अंकल आप गलत सोच रहे हो, ऐसे कुछ कोई बात नहीं। अंकल के बच्चे, मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे से लड़कों को। अगर आइंदा नंदिनी के आसपास नजर आया ना, जान से मार दूंगा सना। अच्छे से जानता हूँ मैं तुझे से वाले लड़कों को। एक सेकंड, क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं? दोस्त है वो मेरा। दोस्त है, बॉयफ्रेंड है। और मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आज अनिल भाई से बात करके ना तुम्हारी कॉलेज बंद करवाऊंगा मैं। और साले तुझे तो देख लूंगा। एक तो पहले आप ये रट्टा लगाना बंद करिए कि बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हां है वो मेरा बॉयफ्रेंड, तो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, किसी के साथ भी जाऊं, अब होते कौन है? होता कौन हूं मैं? हाँ? तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं। क्यों नहीं हो रहा? अपने बाप से आगे पूछ लो, उसने वादा किया है मुझसे, तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा वो, और मुझसे 2 लाख रुपए एडवांस लिया उसने। ओ हेलो अंकल, सुनो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, ठीक है? मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है, और कौन करेगा आपसे शादी? है शादी करने वाले, चल निकल। अनिल भाई, अनिल भाई, क्या हुआ चेतन? अरे आपको पता है नंदिनी आपकी पीठ के पीछे क्या कर रही है? नंदिनी क्यों, क्या हुआ? अरे पूरे शहर में एक लड़की के साथ घूम रही है वो, और जब मैं उसे समझाने गया तो मुझसे बदतमीजी कर रही है वो। शांत हो जा चेतन। अनिल भाई मैं कह रहा हूँ हम दोनों की शादी करवा दीजिए, वो भी जल्दी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके मुंह पे काली कोत के भाग जाए उस लड़के के साथ। नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज शाम को बात करता हूँ उसके साथ। तू थोड़ा मूड तो ठीक कर ले, ऐसे मूड में शादी करेगा तू? अरे चले बता क्या क्या पिएगा, क्या जो भी आपका मन है मैं पी लूंगा। ये बात अजम, मैं ना पैक बना रहा हूँ, तब तक तो वो क्या बता रहा था, उस शहरी लड़के का नाम क्या था जो आया है वो? सनी। सनी फोन कर उसको, यहाँ पे बुला दे। क्यों? अमीर ज्यादा है चेतन, ऐसे बड़े लोग हमारे बहुत काम के होते हैं। कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं भाई, तू ज्यादा मत सोच, तू फोन लगा बुला उसको। ठीक है अनिल भाई, अगर आप कहते हो तो बुला लेता उसको। आओ सनी आओ, बैठो बैठो। क्या भाई चेतन, मेहमान है तू, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? पैक बना? मैं नहीं पीता। क्या नहीं करता? मैं नहीं पीता। दारू नहीं पीते? नहीं नहीं नहीं, नहीं पीता क्या मतलब? एक्चुअली मेरा एक ही शौक और एक ही नशा है, जुआ। उसके अलावा सिगरेट, लड़की, दारू, कुछ नहीं। चेतन पैक बना, मैं आता हूँ कोल्ड ड्रिंक लेके। जी। चीयर्स। चीयर्स। हमेशा बड़ा बनाता है तो यार चेतन। और भाई सनी कुछ बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो, क्या करते हो? जी मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ और अपनी मम्मा के साथ रहता हूँ। पापा दुबई में रहते हैं और वहाँ पर जॉब करते हैं, तो इसलिए घर पर मम्मी और मैं साथ में रहते हैं। अब कॉलेज खत्म होने के बाद सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करूँ, और पापा बोलते हैं कि दुबई आ जाओ, और मम्मी बोलते हैं कि नहीं यहीं पर रहे। अब इन दोनों के झगड़े में ना तो मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ और ना ही दुबई जा पा रहा हूँ। तो बस अपना शौक पूरा करने के लिए गांव आ जाता हूँ। गांव क्यों? गांव आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ना तो पुलिस का झंझट और ना ही मम्मी को पता चलता। स्मार्ट स्मार्ट। कुछ खाओगे सर? नहीं नहीं थैंक यू। ठीक है ध्यान रख। ठीक है कल मिलते हैं। बाय बाय। देखिए अंकल फंडा बिल्कुल क्लियर है, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ी गेम खेलनी होगी, और अगर आप लोगों के पास पैसा है तो कल आ जाइए खन्ना के अड्डे पर, असली गेम वहीं खेला जाता है। चेतन पैसों का क्या करें? कल परसों तक हो जाएगा। हो जाएगा। ये सब क्या है पापा? मतलब अब आपने घर पे भी अड्डा लगाना शुरू कर दिया। अड्डा नहीं लगा रहा हूँ, दारू की पार्टी चल रही है, देख नहीं रहे हो? जाओ अपने कमरे में। ये क्या चल रहा है? देखो ना क्या चल रहा है घर पे।
मैं जा रही हूँ अपने रूम में। नंदिनी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, जवान बेटी घर पर है और आप ऐसे दोस्तों को घर पर बुलाकर दारू पिला रहे हो। अब तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अनिल भाई, बात नहीं। तुम भी निकलो। सॉरी यार, वो ऐसा ही है। आंटी जी, आंटी जी, आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर फैमिली रहती है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। सो रियली सॉरी। मिल गए थे सिल, पी लो, शांति से पानी पी लो। हो गया अपमान, पहली बार आया था बेचारा। हाँ हाँ, जानती हो तुम लोग कितने बेचारे हो। देखो, तुम्हें बाहर जो करना है वो करो, लेकिन इस घर को मैं जुए का अड्डा बनाने नहीं दूँ। पता है, आए बड़ी रौब जानने वाली घर का, और बाप का घर। पियो अब पानी। अब हो गए ढाई लाख पूरे। जो वादा मुझसे किया था याद है ना? ये याद है, करवा दूंगा नंदिनी से तेरी शादी। लेकिन यार चेतन, मान ले कि आज मैं जुए में जीत गया, तेरे पैसे लौटा दिए, तब क्या करेगा? क्या अनिल भाई, आप भी, मैं प्यार करता हूँ नंदिनी से। अगर ऐसी बात है तो दे दीजिए मुझे मेरे पैसे वापस। मजाक भी नहीं समझता। चलो सीरियसली चलते हैं खन्ना के अड्डे पे, बड़ा गेम खेल। मेरी 5,000 की चाल। 10 का ब्लाइंड। मिल भाई, मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है यार। पैक। 20 का ब्लाइंड। हैवी पैक। कॉल इन ब्लाइंड। अनिल भाई शो ले लो। अरे तो रुक जाना यार, पता है मुझे पत्ते चल रहे हैं आज मेरे। 3 बाजी ऑलरेडी जीत चुका हूँ, ये भी तो कभी बात ही नहीं मानते हो मेरे। All in, blind. क्या हो गया सनी, पैसे खत्म हो गए क्या? अंकल जी पैसे की कमी नहीं है अपने पास, और 2-3 लाख रुपए तो खन्ना साहब ऐसे ही दे देंगे हमें। पर फिलहाल इस सोने की चैन से काम चला लेते हैं। पूरे 3 तोले की है, ब्लाइंड काउंटर मेरा। अब आप बताइए अंकल जी कहाँ से शो करेंगे? अनिल भाई, कहा था आपसे शो ले लो, आप ना मेरी बात ही नहीं सुनते हो, अब क्या करोगे? क्या अंकल जी, ऐसे नहीं है, जल्दी बताइए क्या करना है। और क्या करेंगे, पैक करके जाएंगे यहाँ से, और कोई रास्ता कहाँ है हमारे पास? मेरी बेटी लगाता हूँ दाव पे। तो अनिल भाई होश में हो, दिमाग तो ठीक है ना आपका, क्या बोल रहे हो आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, तू चुप रहे। अरे ऐसे कैसे चुप करूँ मैं, नंदिनी से मेरी शादी होने वाली है, आप उसको दाव पे नहीं लगा सकते हो ऐसे? होने वाली है, वो भी तो नहीं है ना, फिलहाल मेरी बेटी है, जो मर्जी चाहे करूं। तू बोल सनी, तुझे मंजूर है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल जी, लेकिन आप अपनी बात से मुकर मत जाना। अनिल भाई, ये ना आप ठीक नहीं कर रहे हो, बता रहा हूं आपको, देख लूंगा मैं आपको। शो Oh.
क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।